आदमी बोलता है भक्त बन जाएंगे, तो कैसे पता चलेगा कि भक्त बन गए? माम भजन्ति हे चतुष्कुमारो, जो मेरा भजन करेंगे उनमें दो गुण आएंगे। कौन सा? पहला, एक नाथ जी, और उन्होंने रामायण के ऊपर तात्पर्य लिखे, भागवत पर तात्पर्य लिखे, बड़े सुंदर भक्त थे। आदमी बोलता है भक्त बन जाएंगे, तो कैसे पता चलेगा कि भक्त बन गए? माला करेंगे तो माला पता चल जाएगा? बोले नहीं, आप माला करेंगे, आप दवाई लेते हैं तो आपके अंदर ट्रीटमेंट होता है, क्योर होता है, आप ट्रीट होते हैं। इन्फेक्शन था तो दवाई लेने से इन्फेक्शन चला जाए। तो एक नाथ जी भजन करते थे, कैसे पता चले? पैठन के ब्राह्मणों ने कहा, इसको पता करते हैं बड़ा भगवान का भक्त बनता है, हमने सुना है 12 साल इसके घर भगवान नौकर बन के गए, चेक करें कितना भगवान का सेवक है। एक मुस्लिम व्यक्ति को बुलाया, उसको पान खिला के कहा, जबकि गंगा से गोदावरी से नहा के आए तो इसके ऊपर थूक देना। तो वो गोदावरी से स्नान करके आए थे सुबह सुबह, तो उनके ऊपर अब जब थूक दिया तो उनके कपड़े गंदे, तो उन्होंने कहा हरे कृष्णा, क्रोध नहीं आया, चले गए दोबारा स्नान कर, कपड़े धोए, गीले किए, फिर सुखाए, फिर पहने, फिर आए, उसने फिर हरे कृष्णा, फिर चले। ऐसे 108 बार उसने थूका। वो जब 108 बार थूका तो एक नाथ जी देख रहे हैं, ब्राह्मण भी देख रहे हैं कि इसको क्रोध ही नहीं आ रहा, कोई हमें थोड़ा सा उल्टा क्या बोल दे, हमें तो बहुत तगड़ा क्रोध आ जाता है, इसको क्रोध नहीं आ रहा, ऐसा क्या हो गया? अरे भजन करता है, जो भजन करेंगे वो क्रोध नहीं करते, उनको अपमान और मान की वैल्यू नहीं रहती। जो भजन नहीं, जिनका कच्चा भजन होता है, उनको छोटी छोटी बात बुरी लगती है। आपने हमको माला नहीं दी, हमें प्रसाद में केला दे दिया, उसको संतरा दे दिया, बड़े बन रहे उनके अपने, छोटी छोटी बात पे रुष्ट होना, इसका मतलब भजन कच्चा है। एक नाथ का भजन ऐसा एकनिष्ठ हो गया था, ऐसा निष्ठ, 108 बार थूकने पर भी एक नाथ ने कोई जवाब नहीं दिया, और मुस्कुरा कर कहा उस मुसलमान व्यक्ति से, प्रभु तुम्हारे मुख में दर्द हो रहा होगा ना, पान चबाते चबाते कत्था और चूने से मुंह में छाले हो गए होंगे, आइए मेरे घर में एक औषधि है, मैं तुम्हारे मुंह में मलम लगा दूं। फिर भी उसकी बुराई नहीं कही। वो रोने लगा, कौन है आप, कौन है आप? अपने गले में माला पड़ी थी, उतार कर उस मुसलमान व्यक्ति गले में पहने, बोले धन हो तुम, तुम्हारी बड़ी कृपा है। मेरी कृपा? मैं तो आपको क्रोध दिलाना चाह रहा था, मेरी कृपा कहाँ है? बोले आज तक मैं सोचता था विचारों में कि किसी दिन 108 बार गंगा जी में स्नान करूंगा, लेकिन मेरे जैसा आलसी व्यक्ति एक बार से ज्यादा कभी स्नान कर नहीं पाया, मान लो भले मानुस आज तेरे चक्कर में मेरा 108 बार का प्राण पूरा हो। तो आपकी मनोस्थिति बदल जाएगी ये भजन बताएगा। आप कितनी माला कर रहे हो, आप विषम परिस्थितियों में कितने गंभीर बने रहते हो, कितने प्रसन्नचित रहते हो, ये बताएगा आपकी माला चल रही है। हरे कृष्ण, जय दुर्गा, जय दुर्गा, भोले बने, गुस्सा आ गया, हम भी तो भक्त हैं, हटो, हम प्रसाद लेंगे, ऊपर चढ़ने दो, हमको माला नहीं दी, हमको चुन्नी नहीं पहनाई, हमको स्वागत नहीं मिला। बेचारे कौशिक जी कह रहे किस किस का नहीं हुआ, किस किस का नहीं हुआ। अगर माला करेगा व्यक्ति, उसके अंदर कैसे पता चलेगा? बोले पता चलेगा वो व्यक्ति का हृदय शुद्ध चित्त हो जाएगा, एकदम शुद्ध चित्त। भगवान ने कहा यही मतलब है, माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणा निरपेक्षकम् सुहृदं प्रियात्मानम् साम्या असंगदया गुणः। जो मेरा भजन करेंगे, माम भजन्ति, ये हंस अवतार का आखिरी वाक्य है, पूर्ण हो रहा है। हंस अवतार में भगवान ने कहा माम भजन्ति हे चतुष्कुमारो, जो मेरा भजन करेंगे उनमें दो गुण आएंगे। कौन सा? पहला, सर्वे निर्गुणाम, वो मुझे निर्गुण मानेंगे। निर्गुण का मतलब क्या? लोग बोलते हैं निर्गुण मतलब निराकार, निर्गुण का मतलब भागवत कहती लिखा है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, निर्गुण का मतलब है जो तीनों गुणों से मुक्त है, न सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण में जो बंधा नहीं है, वो प्रभु निर्गुण कहलाता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि उनका आकार नहीं है, उनका बहुत सुंदर आकार है, श्याम सुंदर का बहुत सुंदर स्वरूप है, लेकिन उनका भौतिक गुणों का बंधन नहीं है, इसलिए उनको निर्गुण कहते हैं। उनका आध्यात्मिक बहुत सुंदर स्वरूप है, बहुत सुंदर है। नवीन नीरद श्यामम नीलेन्दी वरलोचनम यशोदा नंदन नेमी कृष्ण गोपाल रूपिणम। कृष्ण का गोपाल रूप है,
सुंदर है, नवीन रूप है, नीरद बादलों जैसा सुंदर स्वरूप है, उनको निराकार कहने से कैसा लगेगा? मैंने अपने दादाजी देखे नहीं, फोटो में देखे, पिताजी से पूछा कौन है, बोले दादाजी है। दोस्त आया कौन है, कह दादाजी। कैसे थे, कह रहे मैंने देखा नहीं, फिर भी तो बताओ, कह रहे निराकार थे, क्योंकि फोटो ही तो देखी है, देखे तो नहीं दादाजी, जब मेरा जन्म हुआ तो वो जा चुके थे, तो निराकार हो गए। जो देखा नहीं वो निराकार हो गया, ऐसा मतलब हुआ? अरे शास्त्र पढ़ो, सुंदर स्वरूप का दर्शन एकनाथ के घर में कलयुग में प्रभु ने।